Dear students, due to memory storage video was cancelled, so we are going to start again from the second step that we have left in the first video part. तो इसमें आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस सिक्स है, यहाँ से प्लस थ्री था और नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज है, इसमें दो थे यहाँ पर एक था तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन नंबर है, एक एटम का प्लस सिक्स है तो दो में कितना होगा प्लस ट्वेल्व और दूसरी साइड में कितना है प्लस सिक्स. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं. तो प्लस का ट्वेल्व है, यहाँ पे प्लस का सिक्स है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं. कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में छह इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ताकि दोनों साइड में ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए. यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. थर्ड स्टेप में क्या, फिर हमें फिर चार्ज बराबर करना होता है. तो चार्ज देखे, छह इलेक्ट्रॉन माइनस छह चार्ज यहाँ से होगा, टू माइनस चार्ज यहाँ से, तो माइनस का एट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है और प्लस का सिक्स राइट हैंड साइड में है. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम 14H प्लस आयन ऐड कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन एजेंट मीडियम में है तो 14H प्लस आयन ऐड करेंगे दोनों साइड का चार्ज बराबर करने के लिए. जब दोनों साइड का चार्ज बराबर हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन एटम बराबर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में सेवन ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो सेवन एच टू मॉलिक्यूल्स राइट साइड में ऐड कर देंगे. तो उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स बराबर हो जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो हाइड्रोजन सेवन टू ए सेवन और एच टू एच सेवन टू फोर्टीन, यहाँ पर फोर्टीन हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी. फिर लास्ट स्टेप जो है, जब सेपरेटली हाफ हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई, फिर दोनों को ऐड करना है. तो ऐड करने से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन दोनों में बराबर होने चाहिए. तो उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास थी Fe2+ जो था वो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट इक्वेशन में. यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करके छह से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को और फिर दोनों को ऐड करेंगे. तो छह से मल्टीप्लाई कितने से ऐड करेंगे, Cr2 सेवन टू माइनस प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई कर Fe2+ प्लस प्लस फोर्टीन एस प्लस छह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छह इसमें हो जाएंगे. देखो सिक्स Fe2+ प्लस और यहाँ से क्या होगा सिक्स Fe3+ प्लस प्लस में सिक्स इलेक्ट्रॉन. इस इक्वेशन को जब ऐड कर रहे हैं तो सिक्स Fe2+ प्लस लिख दिया, फोर्टीन एस प्लस लिख दिया, छह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, छह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कैंसिल हो गए. फिर टू Cr3+ प्लस में सिक्स Fe3+ प्लस प्लस सेवन एच टू. तो इस तरीके से हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है. और डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमें चेक करना हो कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज और राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज चेक करते हैं. अगर दोनों साइड में चार्ज बराबर हो तो हम सोचते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है. तो देखो छह दो बारह, बारह पॉजिटिव यहाँ और चौदह ये, छब्बीस पॉजिटिव चार्ज हो गया, दो माइनस कर दिया, ट्वेंटी फोर पॉजिटिव चार्ज रह गया. यहाँ से सिक्स प्लस ये और एटीन प्लस ये, ट्वेंटी फोर पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो दोनों साइड का चार्ज बराबर है. So dear students, in this way we have balanced redox reaction by using half equation method or half reaction method. So this is enough for today. You have to practice such similar type of problem from the NCERT exercise. This is enough for today. Thank you and have a nice day.